नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में। दिल्ली में दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। यहां बर्थडे पार्टी पर गई दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पूरा मामला दिल्ली के द्वारका का है। दिल्ली के द्वारका के उत्तम नगर इलाके में एक जन्मदिन पार्टी से अचानक रात में 5 और 6 साल की दो बच्चियां गायब हो गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बच्चियों के परिजन परेशान होने लगे। बच्चियों के गायब होने पर जब लोगों ने तलाशना शुरू किया तो दोनों दीपक नाम के शख्स की झुग्गी में मिली, जिसके बाद पब्लिक ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह अपने बहनों समेत अपने परिवार के साथ उत्तम नगर स्थित अपनी मौसी के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए थे। इसी दौरान पार्टी में उनकी बहन की दो बेटियां गायब हो गई। इसमें एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक की उम्र 6 साल है। जब दोनों बच्चियां पार्टी में नहीं मिली तो उनकी तलाश करने पर ये दीपक की झुग्गी के अंदर मिली। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दीपक ने उन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद शिकायत के आधार पर थाना उत्तम नगर में आईपीसी की 342, 354 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक को फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में रखा गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।